हाई वोल्टेज टाकरे में शाहीनों की बैटिंग लाइन फ्लॉप, कौमी टीम 191 रन पर ढेर। 192 रन हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी, शबमन गिल 16 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स में भारत की शानदार बोलिंग, कौमी बैटर एक के बाद एक चलते बने। बाबर आजम निस्फ सेंचुरी और मोहम्मद रिजवान 49 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक 20 और इमामुल हक 36 रन बना सके। सऊद शकील, इफ्तखार अहमद और शादाब खान डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, बुमराह और हार्दिक पांड्या की दो दो विकेटें। रविंद्रा ने भी दो खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शायकीन की बड़ी तादाद अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद। इंडिया के मैच का एंथुसियाज्म तो ऑब्वियसली होता है, कोई और मैच देखे ना देखे पाकिस्तान इंडिया का लाजमी देखना होता है। इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान जीतेगा, सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह हम ट्रैफिक की रवानी को भी बरकरार रख रहे हैं और मोबाइल से डायरेक्ट मैच भी देख रहे हैं। दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत मैच पर नजरें जमा ली। पाकिस्तानी क्रिकेट लवर्स की कौमी टीम से उम्मीदें, कहा फतह कौमी टीम का मुकद्दर बनेगी। बड़े मुकाबले के लिए बड़े इंतजामात, पाक भारत मैच बराह रास्त देखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स का एहतमाम। शायकीन बड़ी स्क्रीन्स पर मैच से महजूज। ओआईसी की इजरायली जारहियत और फलस्तीनियों के जबरी इनखला की मजम्मत, कहा इसराइल बैन अलाक्वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा में दवाइयां, इमदादी सामान और बुनियादी जरूरियात की सप्लाई बंद है। आलमी बरदरी इसराइल की जारहियत रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीरे खारजा का राबता, जंग के खात्मे और शहरियों के तहफ्फुज़ की फौरी जरूरत पर तबादला ख्याल। इसराइल और फलस्तीन कशीदगी पर एक मरबूत रद्देअमल पर जोर। सऊदी वज़ीरे खारजा की अमरीकी हममनसब से बातचीत, कहा गजा में हर सूरत जंग बंदी होनी चाहिए। मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है, नवाज शरीफ आएंगे और मुल्क तरक्की करेगा। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ कानून और अदालत का सामना करेंगे, एक बार फिर वजीर आजम बनेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। जावेद लतीफ कहते हैं अवाम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। कायद नून लीग मुल्क को आजमाइश से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे तो अवाम की मुश्किलात खत्म होंगी, फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए आम इंतखाबात जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान करे। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, शुमाली ब्राजील और वस्ती अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज को ग्रहण लगते देखा गया।